सो हेलो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ रेसिपी बना के सिखाने वाला हूँ। गाइस, सुबह की नाश्ता में आप लाइट नाश्ता कर सकते हैं। एंड स्वादिष्ट के मामले में बात करें ना गाइस, लाजवाब। आप इस बार एक बार ट्राई करके देखना इस रेसिपी को। एंड सुबह के नाश्ते में ना, वाकई में बोलते हैं इसको इमामी सीमई बोलते हैं, स्पेशली ऑन दी ईद, जो ईद त्यौहार होता है उसमें ये मोस्टली जो है बनाया जाता है। तो हमने जो है सेवई कुछ इस तरह से जो है मार्केट से लेके आए हैं, आपको भी मार्केट में मिल जाएगा। ये मेरे पास 130 ग्राम का है, अभी आप देख पा रहे होंगे, और 20 रुपीज़ की है। तो ऑब्वियसली छोटे फैमिली के लिए ये एक सफिशेंट पैक है। तो इसको क्या करेंगे, फ़िलहाल जो है अभी हम एक प्लेट पे लेंगे, देन इसके छोटे छोटे क्रॉस कर लेंगे। एंड आई होप गाइस कि आपको ना ये छोटा सा रेसिपी ब्लॉग पसंद आएगा। और फिलहाल जो है हमने यहाँ पे जो है अपने कढ़ाई को जो है हीट होने के लिए रख दिए हैं। तो अभी जो हम सेवई बनाने वाले हैं वो हम घी से बनाने वाले हैं। अदरवाइज़ आप घी और रिफाइंड दोनों मिला के भी बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है थोड़े से घी यहाँ पे हम लेंगे, जिसपे अभी क्या करना है, सेवई जो है ना वो हमारी रोस्टेड सेवई है, बट थोड़ी सी उसको और रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से जो है आए, ताकि जब आप खाओ तो आपको लगे कि हाँ भाई सिवई हम खा रहे हैं। आसान रेसिपी है एंड बहुत मिनटों पे बन के तैयार हो जाता है। तक हमारी घी गर्म हो रही है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ रोस्टेड सिवैयाँ इस तरह से होते हैं, बिल्कुल हल्के सिवैयाँ होती है। अभी ये क्या ना, लंबी लंबी है तो आप लंबे भी रख सकते हैं, वरना इसको आप क्रश कर लीजिएगा, छोटे टुकड़ा करिए। ज़्यादा छोटा पीसेस नहीं करनी है, सिर्फ इसको दो टुकड़े कर सकते हैं आप। तो हमारी जो है घी है वो गर्म हो चुकी है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम अपने सिवैयाँ को थोड़ी सी हल्की सी फ्राई करेंगे, ताकि जो सिवई की खुशबू है वो बिल्कुल हमारी अच्छे जगह से आए। लेकिन अभी इसको क्या ना, फ्राई करने में प्रॉब्लम होगा, तो आसानी बिल्कुल धीमे आंच में आराम से इसको फ्राई करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी कढ़ाई जो है ना वो पूरी तरह से भर चुकी है। तो अभी शुरुआत में आपको चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट इसको आपको ना धीमे धीमे हल्के हाथ से आपको चलाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, वरना जो सिवैयाँ है वो सारे टूट जाएंगे, और जब टूट जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हमें इस तरह से चलानी है। थोड़ी सी फैलेगा तो उसको आप इग्नोर करना गाइस, वरना का अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे। तो थोड़ी टाइम के बाद ना ये अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे अपने कढ़ाई पे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट शुरुआत में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो भाई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अभी आप देख पा रहे होंगे 2-3 मिनट जो है इसको फ्राई करने के बाद जो है अभी सिवैया हमारी कढ़ाई में बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। इसको चलाने के लिए मैंने एक यहाँ पे कांटे वाले स्पोक का यूज़ किया, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, छोटी कढ़ाई है जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रही थी। बट अगर आप थोड़े से लिमिटेड बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आपको बड़ी कढ़ाई में बनानी हो। तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अभी इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में फिलहाल मैंने यहाँ पे लिए नारियल और यहाँ पे किशमिश, आप चाहो तो इसमें काजू बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। अब ये जो आज हम सिवैया बना रहे हैं गाइस, ये बिना मावे का बना रहे हैं, और ये सिवैया मावा वाला भी बनता है। एंड इसके लिए भाई आपको चाहिए होता है कुछ, मैंने यहाँ पे 1/2 कप जो है शुगर लिया है, जिसको मैं अभी इसमें डालने वाला हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप जो है वाटर है, जिसमें मैंने यहाँ पे 5-6 ललछाई जो है केसर के डाल रखे हैं। तो अभी इस वाटर को मैं यूज करूंगा इस पे, और इसको बनाने के लिए ना बिल्कुल लिमिटेड वाटर को यूज़ करना है। और फिलहाल जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे, अभी उसको हम थोड़े से हल्के हाथ से इसी के साथ जो है थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो जले नहीं, और बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारी इसमें सॉल्व हो जाए। तो ऑलमोस्ट है सिवैया हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है गाइस, अब इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाइस शुगर, तो हमने यहाँ पे 1/2 कप जो शुगर लिया है इसको हम इसमें ऐड करेंगे। एंड आप अपने अनुसार, मीठे के अनुसार, मतलब जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार आप शुगर डाल सकते हैं। फिलहाल जो है मैंने यहाँ पे 1/2 कप जो है शुगर यूज किया है, इसको धीमे धीमे इसी तरह से चलाएंगे। आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं या इलायची कूट के भी डाल सकते हैं, और अच्छी खुशबू लाने के लिए। और जो ये सिवैया है गाइस, ये स्पेशली जो है इमामी सिवैया बोलते हैं, बट ये स्पेशली जो है ईद में ज़्यादातर जो है ना बनाए जाते हैं, और बहुत लाइट जो है ये डाइट है। तो आप इसको नाश्ते पे सुबह इसको कर सकते हैं यूज, और ये जल्द से जल्द ना 5 से 10 मिनट के अंदर आपका बनके तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, ज़्यादा वाटर नहीं डालना है, बट 1 कप वाटर यहाँ पे आपको लगने वाला है। और इसको जब आप बनाएंगे ना, बिल्कुल धीमे आँच में बनाना है, ज़्यादा तेज आँच में नहीं बनाना है, अदरवाइज़ क्या होगा ना, फिर आपके ये सारे जल जाएंगे। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे, एंड चलाने के बाद ना इसको फिर हम ढक के 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकने देंगे।
और जैसे आपको लगता है ना कि भाई अभी इसमें थोड़ी कमी है, अभी हमें सेवैयाँ पूरी तरह से बन पकी नहीं है, तो आप इसमें थोड़े से वाटर और ऐड कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से पहले सबको हम चला लेंगे सही से। अब हमने इसको चला दिया है पूरी तरह से, अब इसको क्या करेंगे, ढक के जो है 2 से 3 मिनट तक इसको धीमे आँच पे पकने देंगे। इसको मैंने यहाँ पे ढक दिया है, इसको अभी धीमे आँच पे हम 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। तो 2 से 3 मिनट हमारी हो चुकी है एंड अभी हम सिवई को चेक कर रहे हैं। तो सिवई जो है ऑलमोस्ट जो है हमारी बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है, बस थोड़ी सी जो है अभी इसमें पानी भी आप देख पा रहे होंगे, पानी बिल्कुल आपको क्वांटिटी नहीं दिख पा रही होगी। एंड ये सिवैया जो बन के आई है ना, वाह खुशबू जो है ना भाई सब क्या लाजवाब खुशबू आ रही है, आपको क्या पता होगा बट रियली बता रहे गाइज। अभी मैंने इस पे इलायची पाउडर भी नहीं डाल रखा है एंड नथिंग एल्स, ज़्यादा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं ऐड करे हैं, बट रियली खुशबू जो है ना। तो आप इसको ना सुबह नाश्ते पे ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल बना के, बहुत आसानी तरीके से बन जाती है, ज़्यादा चीज़ भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होता बनाने के लिए एंड बिल्कुल हेल्दी चीज़ है, सबसे मेन बात जो है बिल्कुल सबसे हेल्दी चीज़। तो चलो गाइस फिर इसको सर्व करते हैं फटाफट, देन इसको खाते हैं गाइस। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ गाइस। अगर आपको ये हमारी छोटी सी ना रेसिपी ब्लॉग पसंद आया ना गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।